दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना YouTube मंच पर आपका स्वागत है। महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा, मोदी जी लोकसभा चुनावों से पहले ही कर चुके थे। अब टेक्निकल कारणों से कोई भी कहता रहे कि उन्हें भाई 2029 तक महिलाओं को 33% संवैधानिक रूप से आरक्षण मिल पाएगा या 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और है। वो हकीकत क्या है कि बेशक पिछले कुछ दशकों में महिलाओं का उत्थान हुआ है, वो हर क्षेत्र में आगे आई हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और चाहे वो खेल हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे शिक्षण का क्षेत्र हो, महिलाओं ने अपनी ताकत का और बौद्धिकता का लोहा मनवाया है और किसी भी तरीके से वो पुरुषों से पीछे आज के दौर में नहीं दिख रही है। तो उसके बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये कई दशकों से, कई चुनावों से ये मुद्दा लटका हुआ है, लेकिन इसका कारण क्या है दोस्तों? हकीकत ये है कि पुरुष प्रधान देश है, समाज हमारा आज भी पुरुष प्रधान है, और मजबूरी में वोटों की खातिर सत्ता के लिए कोई भी दल महिलाओं के 33% आरक्षण का समर्थन बेशक करे, लेकिन दोस्तों दिल से पुरुष नेता ये नहीं चाहते कि महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण आसानी से मिल जाए। दोस्तों वो टेक्निकल बात रही, कानूनी बात रही, अब हम हरियाणा विधानसभा के चुनावों की बात कर लेते हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, तो भाजपा को, कांग्रेस को, इनेलो को, जजपा को, आप पार्टी को महिलाओं को 33% आरक्षण देने से कौन रोक रहा है? सारी पार्टियां 33% टिकटें महिलाओं को दें तो साफ हो जाएगा कि पुरुष प्रधान इस समाज में महिलाओं के लिए पूरा आदर है और वो दिल से महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए तैयार है। तो कौन रोक रहा है उन्हें? क्या कोई राहुल गांधी से ये कहेगा कि तुमने हरियाणा में 90 में से 30 सीटें महिलाओं को टिकट क्यों दे दिए? क्या भाजपा हाईकमान आपको रोकेगा कि भाजपा ने 30 टिकट हरियाणा में महिलाओं को क्यों दे दिए? तो दोस्तों भाषण में, राशन में बहुत फर्क होता है। ना तो भाजपा हरियाणा के कमिंग जो आने वाले जो चुनाव हैं 30 महिलाओं को टिकट नहीं देने जा रही है, ना भाजपा देगी, ना कांग्रेस देगी, ना आप देगी, ना जेजेपी देगी, ना इनेलो देगा। यही बात हम जिला स्तर पर भी कर सकते हैं। फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 सीटों में से 2 सीटें ये पार्टियां क्या महिलाओं को टिकट देंगी? पलवल में विधानसभा की 3 सीटें हैं, क्या वहाँ कम से कम एक महिला को ये पार्टियाँ टिकट देंगी?
दोस्तों मुश्किल लगता है, इनका वश नहीं चलता, वरना ये एक भी टिकट किसी महिलाओं को ना दें। और यही कारण है कि महिलाएं राजनीति में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही हैं जितना उनका हक बनता है। तो दोस्तों देखते हैं इन नेताओं की नीयत में कितना फर्क है, या वो दिल से महिलाओं को 33% टिकट देना चाहते हैं। यदि दे देते हैं तो ये आठवां आश्चर्य होगा, चमत्कार होगा, लेकिन जब टिकट बढ़ चुके होंगे तो दोस्तों हरियाणा में आप देख लेना, 33% तो दूर कुछ गिनी चुनी महिलाओं को ही टिकट मिलेंगे, और हो सकता है कि वो 33% छोड़िए 10% भी ना हो। तो हकीकत यह है दोस्तों, पुरुष प्रधान समाज की महिलाओं को आगे लाने की, राजनीति में अपने समकक्ष खड़ा करने की नीयत ही नहीं है, इनकी नीयत ही साफ नहीं है। कहते हैं कि भाई काबिल महिलाएं नहीं है जो चुनाव जीत सकें। अरे जब भाई तुम उनको अवसर ही नहीं दोगे, टिकट ही नहीं दोगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगी? और जब संवैधानिक रूप से संविधान के अनुसार आपके ऊपर डंडा पड़ेगा कि 33% आपको सीटें देनी ही देनी है, तब भी तो आप दोगे ना, तो भाई अभी से शुरू क्यों नहीं कर देते? तब तो आपकी मजबूरी होगी, और अब दोगे तो अब बड़प्पन होगा। तो दोस्तों देखते हैं ये पार्टियां कितनी महिलाओं को टिकट देते हैं। देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।